बढ़ते आगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो आज इसका दूसरा दिन है। कन्याकुमारी से अगस्त्यस्वरम से राहुल गांधी ने पदयात्रा की शुरुआत की और राहुल गांधी के साथ पी चिदंबरम, भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल हैं। साथ ही बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों बाद श्रीनगर में जाकर संपन्न होगी। हालांकि कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी, यात्रा करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। हमारा मुल्क तो अनेकतम एकता वाला मुल्क है, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्कों को तो आपको एक बार अखंड रखने के लिए वही सोच होनी चाहिए आपकी जो आज तक महात्मा गांधी की से लगा के अभी तक नेताओं की रही है, पंडित नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो और चाहे अम्बेडकर का बना संविधान हो। ये भावना धीरे धीरे अलग की जा रही है और ध्रुवीकरण, तनाव का माहौल, हिंसा का माहौल, ये अच्छी बात नहीं है। उनका तो ये तो फर्ज उनका है कि बयानबाजी करना, वो तो काम कुछ नहीं करते, सिर्फ बयानबाजी करते, भाषा नहीं देते हैं, राशन तो कुछ नहीं देते हिंदुस्तान के लोगों को। हमारा मुद्दा क्या है सब जानते हैं और लोगों की समर्थन आप खुद देख लो, ये तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। लोग अपना उच्छास से आए हैं यहाँ, अपना हर्ष उच्छास से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जमा बारा देखते जाओ, ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई संगठित नहीं है। बीजेपी कह रही है भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने की क्या जरूरत है? जरूरत बिल्कुल है, भारत जुड़ा था लेकिन भारत को तोड़ने का जरूर कोशिश किया जा रहा है। देखिए देश को फायदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा रास्ते में गांव में कैसे समर्थन मिल रहा है, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब आके हमारा साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि देश के अंदर भावना है जुड़ने की। अगर हम भारत जोड़ो की बात करते हैं तो जो तोड़ने वाले होते हैं उनको दर्द तो होता ही, लेकिन उस दर्द से आपको परेशानी तो नहीं है? हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें मालूम है कि देश जुड़ने को तैयार है, देश टूटना नहीं चाहता, जो तोड़ने वाले हैं उनको भरपूर जवाब मिल रहा है।